तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटिशंस फाइल, जो याचिका फाइल किए गए हैं यहाँ पे जामिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें उन्होंने बोला कि पुलिस ने उनको मारा पीटा है जब वो प्रोटेस्ट के सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो CAA है उसके प्रोटेस्ट के अगेंस्ट पुलिस जब आए थे उनके कॉलेजेस में। सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला कि वो उसमें कुछ डायरेक्शन नहीं दे सकते, वो उसमें कुछ ऑर्डर नहीं करने वाले हैं, वो कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं सेटअप कर रहे हैं। पर उन्होंने बोला है पिटिशनर्स जो आए थे यहाँ पे, जो जामिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और के छात्र और एलुमनाई भी थे यहाँ पे, उन्होंने उनको बताया कि आप जाके हाई कोर्ट, जो रेलेवेंट हाई कोर्ट है वहाँ पे जाके याचिका फाइल करो और वहाँ पे मैटर चल सकता है, क्योंकि वो हाई कोर्ट फैक्ट वाले कोर्ट भी है, वहाँ पे वो फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करा सकते हैं। उन्होंने बोला कि शायद कि वो सुन के, याचिका सुन के, फिर गवर्नमेंट के साइड को सुन के ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ एक जो रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज है उनको जाके फैक्ट फाइंडिंग करना चाहिए। तो कोर्ट ने बोला कि वो इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि कोर्ट यहाँ पे एक कमेटी ऐसे नहीं बना सकता जो जाके इन मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है। तो इसके बेसिस पे आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है कोई इन्वॉल्वमेंट करने के लिए कि क्या पुलिस ने ठीक किया गलत किया है। उन्होंने ये भी बोला है कि हाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके अगेंस्ट भी कोई स्टेटमेंट नहीं है कोर्ट का। कोर्ट ये भी नहीं बोल रहे कि हाँ स्टूडेंट्स ने जाके वायलेंस किया, उन्होंने जाके बसेस को जला दिया या कोई भी प्रॉब्लम किया। उन्होंने कहा कि अभी के लिए जो भी कोर्ट के जो कमेंट्स है वो उस तरह से इंटरप्रेट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको याद होगा शायद से कि कल जब CJI शरद अरविंद बोबडे जब वो इस मामले को सुन रहे थे, इस मैटर को सुन रहे थे, उन्होंने बोला था कि वो तभी केसेस को सुनेंगे जब रायटिंग बंद हो जाता है। तो इससे लग रहा था कि हाँ वो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स ही खुद रायटिंग करते, पर आज CJI ने बोला कि नहीं ऐसे कुछ नहीं था, उन्होंने ऐसे नहीं बोला था और उनका जो 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 वो बोल रहे हैं वो ऐसे कंस्ट्रू नहीं होना चाहिए। तो उनके ऑर्डर में ऐसे कोई फैक्ट के बारे में कोई फाइंडिंग नहीं है। उन्होंने बोला कि हाँ हाई कोर्ट जाओ। तो अभी पिटिशनर्स जो है जो अभी ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया कि वो जाके दिल्ली हाई कोर्ट में जामिया मिलिया स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे, अलीगढ़ स्टूडेंट्स के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाएंगे पिटिशन फाइल करने के लिए, लखनऊ बेंच जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। तो इसमें गवर्नमेंट का एक इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने आके बोला कि यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स को अरेस्ट नहीं किया गया है। उन्होंने बोला कि कई स्टूडेंट्स को मेडिकल अटेंशन दे रहे हैं, जो भी उनको ज़रूरत है उनको मिल रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसके बेसिस पे काफ़ी एलिगेशंस थे कि पुलिस का वायलेंस चल रहा है, ये सब हो रहा है। तो अब ये जाके फैक्ट फाइंडिंग कमीशन में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट ने बोला कि हम गवर्नमेंट के भी साइड से फैक्ट्स नहीं सुनने वाले हैं और हम इसके बेसिस पे कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। कोर्ट ने ये भी एक्चुअली पिटिशनर्स के साइड से रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ किया था। उन्होंने बोला था कि हम एटलीस्ट इंटरिम ऑर्डर में आप फैक्ट फाइंडिंग कमीशन अगर नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट ये बोल दो कि जब तक हाई कोर्ट्स अपना फैक्ट फाइंडिंग ना करे कोई स्टूडेंट्स का अरेस्ट नहीं होना चाहिए। उन्हें बोला था कि यहाँ पे आप पुलिस के अगेंस्ट FIRs का भी बोलने के लिए डायरेक्शन दे दो। उन्होंने बोला कि मेडिकल अटेंशन के लिए, इन सब चीज़ें के लिए कुछ इंटरिम ऑर्डर पास करो। कोर्ट ने बोला कि हम इसमें कोई इंटरिम ऑर्डर नहीं पास करने वाले, CJI इस मामले में कोई भी इंटरिम रिलीफ नहीं दे रहे हैं, कोई इंटरिम डायरेक्शन नहीं पास कर रहे हैं। तो अभी हाई कोर्ट्स में जाके देखना पड़ेगा क्या होने वाला है। तो आपको इनको फॉलो करते रहिए, हम आपको सब डिटेल्स देंगे जो कोर्ट रूम से हो रहा है और यहाँ पे बाहर भी जो यूनिवर्सिटीज़ में चलता जा रहा है, हमारे सब उस पर कवरेज है।